व्हाट्सअप गाइस, स्वागत है आप लोग की और एक नई वीडियो पर। आज की इस वीडियो पर मैं टेस्ट करने वाला हूँ ड्रैगन एज इंक्विजिशन गेम इन माय लो एंड लैपटॉप जो i3 8th generation और इंटेल G16 एक लैपटॉप है। इसमें मैं टेस्ट करने वाला हूँ ड्रैगन एज इंक्विजिशन गेम और दिखाऊंगा कि आप लोगों को मुझे कितना एफपीएस मिलता है। और गाइस, अगर आपको भी मैंने जैसे सिमिलर स्पेसिफिकेशन वाला पीसी या लैपटॉप है तो आपको कितना एफपीएस मिलेगा इन दिस गेम, इसके लिए आपको वीडियो को आगे देखना पड़ेगा। और गाइस, अगर आपका थोड़ा मुझसे बेटर या लो स्पेसिफिकेशन वाला पीसी या लैपटॉप है, आपको अपना स्पेसिफिकेशन कमेंट करना पड़ेगा। मैं कमेंट के रिप्लाई में आपको बता दूंगा कि आपको कितना एफपीएस मिल सकता है इन योर स्पेक्स इन दिस गेम। तो गाइस, वीडियो को पूरा देखते हैं ना, चलिए गाइस वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। फर्स्ट ऑफ ऑल जो चीज मैं आप लोगों को दिखाऊंगा वो है ग्राफिक सीरीज की, कौन से ग्राफिक सीरीज में मैं इस गेम को चला रहा हूं। तो मैंने जब तो डिस्प्ले पे रेजोल्यूशन मैंने 12x2720 वर्टिकल सिंक मैंने ऑफ रखा है। और अभी मैं जाऊंगा सीधा ग्राफिक्स वाले ऑप्शन पे, तो ग्राफिक्स वाले ऑप्शन पे आप लोग देख सकते हो सब जो सेटिंग्स है, सब कुछ सेटिंग्स पे मैंने लो और वेरी लो सेटिंग्स पे करके रखा है। तो सिंपली 720p लोएस्ट पॉसिबल सेटिंग्स पे मैं इस गेम को टेस्ट करूंगा, दिखाऊंगा कि आप लोगों को मुझे कितने एफपीएस मिलता है। तो गाइस, आप लोग देख सकते हो मैं सीधा आ गया हूं गेम पे और अभी जो मुझे एफपीएस देखने के लिए मिला है 23-24 का गाइस एफपीएस देखने के लिए मिला है। बट गाइस, एक जो चीज मुझे देखने के लिए मिल रहा है वो है, मतलब थोड़ा थोड़ा गेम रुक रुक के चल रहा है। मतलब आप लोग देख सकते हो जो मैं चल रहा हूँ गेम रुक रुक के चल रहा है, बट एफपीएस ड्रॉप देखने के लिए नहीं मिला है। ऐसा नहीं कि जो एफपीएस ड्रॉप देखने के लिए मिला है, आप लोग देख सकते हो 30 का एफपीएस है और गेम काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है, ये मैं मतलब जो है फील कर पा रहा हूँ। बट गेम मतलब ठीक ठाक चल रहा है, बट जो प्रॉब्लम देखने के लिए मिला है वो है, मतलब थोड़ा गेम रुक रुक के चल रहा है, थोड़ा सा एफपीएस ड्रॉप लाइक प्रॉब्लम है। 33 का एफपीएस, 27, 28 का गाइस एफपीएस देखने के लिए मिल रहा है। तो गाइस बेसिकली जो एफपीएस है वो 25 प्लस है, तो सिंपली मैं कह सकता हूँ एज अ जो एफपीएस है वो काफ़ी अच्छा है, बट थोड़ा गेम रुक रुक के चल रहा है वही थोड़ा सा प्रॉब्लम देखने के लिए मिल रहा है। बट गाइस सिंपली मैं कह सकता हूँ अगर आप लोग कन्फिग फाइल वगैरह जो बहुत लोग यूज़ करते हैं वो यूज़ कर सकते हो, उस मतलब जो है आपके मतलब कन्फिग फाइल यूज़ करके मुझे लगता है कि आप लोगों को और भी अच्छा खासा गाइस एफपीएस देखने के लिए मिल जाएगा। को यूज़ करके आप लोगों को हो सकता है ये जो रुक रुक के जो प्रॉब्लम आ रहा है ये हो सकता है आपको देखने के लिए ना मिले, और एफपीएस भी काफ़ी अच्छा खासा, नॉर्मली एफपीएस काफ़ी अच्छा खासा मिल रहा है। मतलब ऑप्टिमाइजेशन मैं कहूँगा ऑप्टिमाइजेशन इज़ नॉट बैड, ऐसा नहीं कि ऑप्टिमाइजेशन को मैं ये कहूँगा कि ऑप्टिमाइजेशन बहुत ही बुरा है, कुछ ऐसा नहीं है। बट जो ऑप्टिमाइजेशन वो ठीक ठाक है, बट थोड़ा गेम रुक रुक के चला है मुझे लगता है CPU GPU यूसेज जो है काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, इसके लिए थ्रू हो सकते हैं, फिर गेम का भी प्रॉब्लम हो सकता है मुझे पता नहीं, बट थोड़ा सा गेम रुक रुक के चल रहा है। बेसिकली गाइस जो एवरेज एफपीएस है वो 24-30 है और कभी कभार 30 प्लस भी एफपीएस जा रहा है, तो उसके हिसाब से मैं कहूँगा कि एफपीएस इज़ नॉट बैड, लिटरली जो एफपीएस है वो ठीक ठाक है। तो अभी जो है 25 का गाइस एफपीएस देखने के लिए मिल रहा है, थोड़ा सा कभी कभार प्रॉब्लम मतलब छोटा छोटा देखने के लिए मिल रहा है जो थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, मतलब थोड़ा सा गेम रुक रुक के चला है, तो उसके हिसाब से हम इसको फुल्ली प्लेबल नहीं कह सकते। जब ऐसा गेम रुक रुक के चलेगा तो ऑब्वियसली गेम एज अ प्लेबल नहीं होगा, आपको उतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगेगा खेलने में गेम को। बट गाइस अगर आप चाहो तो इसका रेजोल्यूशन जो है और कम कर सकते हो, मतलब कॉन्फिग फाइल यूज़ करके या फिर नॉर्मली सेटिंग्स पे जाके इसका रेजोल्यूशन कम कर सकते हो, उसके हिसाब से हो सकता है आपको ये प्रॉब्लम देखने के लिए ना मिले और एफपीएस भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे मिले, हो सकता है। बट आप लोग एज अ 720p लो तो मैं इसका इतना ज़्यादा प्लेबल नहीं कर सकता क्योंकि गेम रुक रुक के चल रहा है, आपको खेलने में उतना अच्छा खासा एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा। तो अभी जो है 30 का एफपीएस गाइस देखने के लिए मिला है मुझे, 27 का एफपीएस, तो एफपीएस तो काफ़ी अच्छा खासा है। तो सिंपली ऐसे एफपीएस के हिसाब से गेम प्लेबल है, बट जो ये प्रॉब्लम मिल रहा है इसके हिसाब से गेम इज़ नॉट प्लेबल एक्चुअली, मतलब गेम प्लेबल भी है और नॉट प्लेबल भी है। बट गाइस एज अ स्टोरी लाइन गेम काफ़ी अच्छा है, और मतलब मैंने सुना है, मतलब ऑब्वियसली मैंने खेला नहीं है उतना ज़्यादा, बट मैंने सुना है कि एज अ स्टोरी लाइन गेम काफ़ी अच्छा है। तो आप लोग चाहो तो ट्राई कर सकते हो उस गेम को, और मतलब जो देख सकते हो एफपीएस अभी जो है 35 प्लस जा रहा है, तो उसके हिसाब से आप लोग बोल सकते हो ऑब्वियसली प्लेबल पर ये जो रुक रुक का थोड़ा जो गेम का जो प्रॉब्लम आ रहा है एक्सपीरियंस को बुरा कर रहा है लिटरली गाइस। तो 28 का एफपीएस गाइस अभी देखने के लिए मिल रहा है, तो एफपीएस ऑब्वियसली अच्छा है। तो सिंपली आप चाहो तो इसको ट्राई ज़रूर एक बार कर सकते हो, यू शूड ट्राई, हो सकता है आपको ये प्रॉब्लम देखने के लिए ना मिले, तो आप लोगों को एक बार ज़रूर ट्राई करना चाहिए इस गेम को। तो गाइस सिंपली मैं कहूँगा अगर आप लोग चाहो तो इस गेम को एक बार ज़रूर ट्राई कर सकते हो, आपके पीसी या लैपटॉप पर आप ज़रूर ट्राई कर सकते हो, देख सकते हो गेम का जो कटसीन्स वगैरह भी है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मुझे लग रहा है। तो आप लोग चाहो तो इस गेम को एक बार ज़रूर ट्राई कर सकते हो आपके पीसी या लैपटॉप पर। वीडियो मैं ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, वीडियो आज के लिए इतने टाइम, वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, एंड चैनल पर तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल कर देना ऐसी और वीडियोस के लिए। तो गाइस मिलते हैं सब अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।